तो अगर भाई आप भी तिरुपति के दर्शन करना चाहते हैं और आपको टिकट नहीं मिल रहा है, तो ये वीडियो देखने के बाद भाई आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे टिकट मिलेगा 10 दिन के अंदर। यहाँ पे भाई मैं अपना पैकेज लेके निकल गया और बस स्टॉप की तरफ बैंगलोर से तिरुपति। तो मेरा पैकेज भाई था 3,000 साढ़े 3,000 का, और यहाँ पे भाई अपनी ये वॉल्वो बस रहती है। फिर मैं पहुँच गया भाई तिरुपति, वहाँ पे होटल चेक इन किया, ये भी मेरे पैकेज में ही था, वो ये रूम है वहाँ का। और फिर यहाँ पे हम लोग तैयार व्यार होके निकल दिए भाई अपने दर्शन के लिए, क्योंकि आपको एक ड्रेस चाहिए होता है दर्शन के लिए। फिर पहले हम लोग पद्मावती मंदिर गए थे जो तिरुपति में ही है, वहाँ दर्शन करने के बाद फिर आ गए भाई ब्रेकफास्ट के लिए। ये ब्रेकफास्ट भी हमारे पैकेज में ही है, सब कुछ पैकेज में है, मस्त वाला भाई यहाँ पे ब्रेकफास्ट था, साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, बहुत सारी वेराइटी थी, बहुत सारा आइटम था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और ये सब भाई हम लोग नाश्ता वास्ता पूरा करके मस्त यहाँ से भाई निकल दिए तिरुमला के लिए। और ये बस पीछे जो खड़ी है मेरी बस है जिसे आया था, और वहाँ पे भाई आंध्र प्रदेश की बस जाती है, तो हमने ये बस लिया। 50 से 60 रुपए लगता है एक साइड का, तो ऐसा है। चलिए आपको दिखाते हैं हम नज़ारे तिरुपति से तिरुमला की। चल बस वालों के उतरने के बाद भी आपको चेक इन करना पड़ता है, यहाँ पे चेक इन सिस्टम है, महिला का अलग, यहाँ के अलग, फिर उसके बाद अपना गाड़ी आगे जाएंगे। वापस भाई आपके सारे सामान का चेक इन होता है, और फिर आप बस में बैठोगे और वापस आप निकलेंगे तिरुमला। आप दिखाएंगे आपको तिरुपति की तिरुमला तक की जर्नी। चलिए। मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस्ता वो भी खाली हो गया, बुरा है जमा। तिरुमला की भाई जर्नी हो चुकी है स्टार्ट। देखिए भाई व्यू क्या जबरदस्त है, सामने देखिए पहाड़, लोग ऐसे चढ़ते हुए चले जाएंगे। लगभग ये है 15 से 18 किलोमीटर की जर्नी, जो बहुत जबरदस्त होने वाली है। और इस बहुत सीनिक रूट है ये भाई, बहुत सीनिक। ये जंगल में भाई आपको शेर और बंदर, हिरन, कई तरह के और अच्छे खासे जानवर पाए जाते हैं यहाँ पे। और अगर आप पैदल जाते हो तो आपको लगभग ये 15 किलोमीटर पड़ेगा, 13 से 15 किलोमीटर, जो मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, वहाँ से स्टार्ट होता है। और पैदल भी लोग जाते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत सारे। बना है
पहुंच गए तिरुमला, यहाँ हमने बस ने उतार दिया, अब सब लोग जा रहे हैं भाई। हम लोग अब देखो कब तक मोबाइल वोबाइल रहता है, जब तक रहेगा तब तक आपको दिखाते रहेंगे। यहाँ पे खाने पीने की फुल व्यवस्था है भाई, चलते ही झाड़ू से बनता हुआ डोसा। ये देखिए इधर सब लोग एंजॉय कर रहे हैं मस्त। यहाँ पे नाश्ता पानी, मार्केट भी है। ये देखो भाई यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, देखते हैं अभी आके क्या कितना टाइम मिलता है, दिखाते हैं आपको। मस्त मस्त चीज़ें हैं यहाँ पे। तो फाइनली भाई दर्शन हो चुका है और हम लोग आ गए हैं भाई नीचे। कैमरा वैमरा अलाउड होता नहीं है, फ़ोन अपना यहीं रख के गए थे लॉकर में। और यहाँ बहुत मस्त सुविधा है कि भाई अपना फ़ोन भी टूर वाले को पास आराम से दे सकते हो, अपना चप्पल भी दे सकते हो, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मज़ा आ गया, आपको बताता हूँ अभी बाकी सब आगे क्या क्या चीज़ें हुई और इस प्रोसेस में और क्या क्या मिला मुझे इस पैकेज के थ्रू। अभी बात करते हैं आगे आपसे, चलते हैं, चलते कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर लेते हैं, देखते हैं और क्या क्या है आपको दिखाएंगे शॉपिंग करने के बाद। और अभी समय हो गया भाई 4 बज चुका है अपना, तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। फिर आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं कि वहाँ फ़ोन रखने के बाद दर्शन वगैरह करने के गए थे तो क्या क्या चीज़ें हुई। यहाँ पे अच्छी खासी मार्केट है, आप यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे लोग लेके आए हैं, खाने पीने का भी है, बालाजी फूड यही तो है बस का नाम, और यहाँ लोग इंजॉय कर ही रहे हैं।